क्या नाम है जी? डॉक्टर सिक्किम हरियाणा से उसके मोर्चा सदस्य। आज खटखटोल को लाकर क्यों फ्री किया? खटखटोल की लगातार शिकायतें आ रही थी, जो किसान नेता थे या जो किसानों के कार्ड बने हुए थे उनको ना चलाने के कारण कार्ड छीन लेना और बदतमीजी से पेश आना, लगातार समझाने के बाद भी खटखटोल के अंदर जो कमेटी है, जो टोल प्लाजा है, उसकी लगातार शिकायतें थी और वो उसके ऊपर बाज नहीं आए, तो आज खटखट टोल को बंद कर दिया गया। और जब तक ये अपनी बदतमीजी की माफी नहीं मांगेंगे और जो लगातार धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर केस नहीं करेंगे, और जब तक लगातार यहाँ के आसपास के 20 किलोमीटर के अंदर जो गांव आते हैं उनको टोल फ्री नहीं करेंगे आधार कार्ड के ऊपर, तब तक अनिश्चितकालीन धरना खटखट टोल पर लागू है और चलता रहेगा, क्योंकि ये लगातार बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और जो किसान कार्ड है उनको ना चलाने के कारण खटखट टोल को बंद कर दिया गया। हरियाणा के जींद में किसानों ने अनिश्चितकाल तक किसान वाहनों को गुलामी टैक्स से छुटकारा दिलाया। सुबह ही किसानों ने खटखड़ के गुलामी टैक्स वसूली सेंटर पर किसान पंचायत की। किसानों का आरोप है कि यहां सरकारी रंगदारी वसूली पर तैनात लठैत कर्मचारी किसानों के साथ बदतमीजी और गुंडागर्दी करते हैं। किसानों की मांग है कि 20 किलोमीटर तक के गांवों को गुलामी टैक्स से छुटकारा दिया जाए। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक वसूली नहीं होने दी जाएगी। किसानों का ये भी कहना है कि उगाही कर्मी किसानों से माफी मांगे। वो है गलत है, लेकिन किसान तो यारेगा थोड़ा पाओगा, पूरे भारत का जीतेगा वो यार। कमाल कर, ये तो ये दिखाएगा फूट डालेंगे अपने में। हाँ ऐसे थोड़ा डर लगा किसान यूरिया रतन मान का प्रधान जी के को सुनो, एक मिनट है, यू किसे का है? यू भी यूनियन का है, किसे की कहा? कोई तो यूनियन बना रहा है। कोई किसान है किसे का होता है? ये पंजाब के मतलब किसान को चाहिए, पंजाब का चाहिए किसे का? और यूनियन है, हाँ जो फर्जी है, नहीं फर्जी वो है गलत है। हमारा मुद्दा है कि जो झंडे लगी हुई गाड़ियां हैं, सुन लो भाई एक मिनट, झंडे लगी हुई, जो झंडे लगी हुई गाड़ी हैं और जो कार्ड की गाड़ियां हैं, नकली और असली की पहचान करने के लिए हमने सब जगह टोलों के नंबर दे रखे हैं। हर कार्ड को नकली बताना, हम कैसे पहचानेंगे ये कहना, ये बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा में अकेला खटखट टोल प्लाजा नहीं है, 152 डी के ऊपर भी, एक्सप्रेसवे के ऊपर भी गाड़ियां जाती हैं, उससे बड़ा तो टोल होगा नहीं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा सबसे महंगा टोल है, वहां भी कुलदीप भाई गाड़ी जाती है। तो सारे कार्ड को नकली बताना, नकली बता के कार्ड छीनना, और कोई आदमी यहां खड़ा हो जाए 5 मिनट गाड़ी बंद कर दे तो बोला ये हमें धमकी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है, हमारा कार्ड केवल हमारा नहीं, जो भी किसान संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है उसका कार्ड वैलिड होना चाहिए। लड़ाई एक की नहीं है, लड़ाई सबकी है। झंडे लगी हुई गाड़ियां, ये न्यू कौन लगाया जाए? बहुत बड़ी छाती चाहिए झंडा बांध देनी गाड़ी के ऊपर, न्यू किसान यूनियन का झंडा लाग गया कोनी। और गांव का मुद्दा जो आप बता रहे थे कि भाई 20 गांव का, 20 किलोमीटर तक का, और मैं आया जब मैं सोचू था कि मैं भरिया पड़िया हूं तकलीफ का, मैं बोलूंगा, मन में बोलने का मौका देने तो पहले मेरे सारे चिपट गए, बोले प्रधान जी इतने दिन हो गए इन कदर मचा रखा टोला। मैं बोला अपना दोनों का दर्द एक जैसा है और हम जो है इसको बैठ मिलके बात करेंगे। तो साथियों ये हमारे मुद्दे हैं, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है, इसके अलावा है कोई बात है?